देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 26,000 का आंकड़ा पार कर गई। देश में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 26,496 हो गया है। इसके अलावा कोरोना से देश में अभी तक 824 लोगों की मौत भी हो गई है। 5,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए, जहां भारत में कोरोना के 19,868 एक्टिव केसेस फिलहाल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आंध्र प्रदेश में रविवार सुबह तक 1,061 मामले सामने आए, जिसमें से 171 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है, जबकि 31 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। वहीं दिल्ली में 95 स्थान कोरोना के हॉटस्पॉट है, जहां 111 नए मामले आज सामने आए। लगातार देशभर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ में दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल जो कोरोना की जो डबलिंग रेट है उसमें कमी आई है, ये राहत की बात है, लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है वो अधिक है, 26,000 का आंकड़ा पार कर गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, 26,500 का आंकड़ा पहुंच चुका है जेपी, तो ऐसे में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तीन ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो संख्या है, आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत की बात ये है कि काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो ठीक होके भी जा रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो पहले जो सप्ताह था बहुत ही क्रूशियल था, करीबन में 21 लोगों की मौत हुई थी। उसके अगले हफ्ते जब लॉकडाउन हुआ तो 9 लोगों की मौत थी, और इस सप्ताह अब तक जो है मौत का जो आंकड़ा है बेहद कम है। अभी तक एक पेशेंट की मौत हुई है दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार। तो ऐसे में तमाम जो राज्य है उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि काफी जो ठीक होने वाले पेशेंट की जो स्थिति है वो काफी बेहतर हुई है पहले दिनों के मुकाबले। तो लॉकडाउन काफी कारगर हुआ है, और ऐसे में इस बार अगर मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री मोदी से बात होती है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, तो वो लॉकडाउन को ये कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से ही बढ़ाया जाए, राज्यों को फिर से अपनी तरफ से न बढ़ाए। जी 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 प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, आज सुबह मन की बात में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया, बड़ी बात यहां पर करी, एक बार फिर से लोगों को यहां पर सीधा मुखातिब होने की कोशिश की, कहा कि पब्लिक ड्रिवन ये पूरा एक आंदोलन है, जनता यहां पर भारी सहयोग करती हुई दिखाई दे रही है और आगे भी जनता का सहयोग अपेक्षित है। तो कहीं ना कहीं आगे लॉकडाउन के एक्सटेंड होने का ही नजरिए के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि सभी की सहमति से ऐसा एक मौका जहां पर फिर से बने कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए और लोग फिलहाल अपने घर में संक्रमित नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, उन्होंने संकेत जरूर दिए कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा। इस बीच इस बात को आगे जारी करने के लिए वो अब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करेंगे, लेकिन जिस सर्वे की उन्होंने बात की, कैलेट सर्वे जो कि मार्च के मध्य में किया गया था, उस सर्वे में ये आंकड़ा पेश करता है कि 79% जो लोग हैं सरकार के इस फैसले से सहमत है, और भारत सरकार की जो रेटिंग है वो विश्व में नंबर 1 है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का हवाला दिया, सर्वे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन के बावजूद जो किसान है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, जो जो लोग गरीब हैं उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, समाज इसके लिए काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और लॉकडाउन में लोगों का बेहद सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक संकेत है कहीं ना कहीं कि अब राज्यों की ओर से भी इस बात की पेशकश की। उन्होंने मुस्लिम जो समाज है उनसे भी ये कहा कि आप जो जिस तरीके से रोजे चल रहे हैं उनके, तो उसमें काफी सहयोग करें, मस्जिद ना जाएं, नमाज जो है अपने घर पर अदा करें। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद प्रीत। आपको देश भर से हम फिलहाल कोरोना की ताजा अपडेट दे रहे हैं। 26,000 का आंकड़ा पार कर गई है कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या, लेकिन राहत की बात यह है कि डबलिंग रेट की जो फिलहाल दर्ज की गई आंकड़े हैं उसमें काफी ज्यादा कमी यहां पर देखने को मिली है, जो कि राहत की बात यकीनन है।